श्रोता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खांसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नज़ला, एलर्जी, खांसी, जुकाम बहुत सारे व्यक्तियों को किसी पर्टिकुलर सीजन में होती है, तो किसी को ये बीमारी साल के 12 महीने बनी रहती है। दोस्तों, इन बीमारियों के होने के बहुत से कारण हैं, जैसे धुएं से हो जाती हैं, धूल मिट्टी का काम करने से हो जाती हैं, धूप में काम करने से हो जाती है, ठंडी हवा और ठंडे पानी से हो जाती है। इसके अलावा कुछ खाने पीने से भी ये सब बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, एक जुकाम तो ऐसा होता है जो 3-4 दिन होने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कई लोगों को बार बार छींकें आती हैं और उस छींक से जुकाम बन जाता है, फिर नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और नाक में भारीपन सा लगता है। फिर क्या है दोस्तों, कई दिन तक ठीक नहीं होता है और फिर धीरे धीरे नज़ला हो जाता है। स्टार्टिंग में तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जितने दिन निकलेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी और उसके बाद परमानेंट हमें नज़ले की समस्या रहने लगेगी। दोस्तों, जिसको एलर्जी जुकाम की समस्या रहती है, हमेशा उनकी नाक से पानी बहता रहेगा, लगातार छींक आती रहेंगी, आँखों से भी पानी बहेगा और आँखें भी लाल रहेंगी। दोस्तों, जिसको भी समस्या रहती है उसे थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही शुरू हो जाती है, या फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि अगर फैमिली में मम्मी पापा को है या किसी और सदस्य को है तो बच्चों में भी हो जाती है। दोस्तों, कई लोगों को तो सुबह उठते ही छींक आना शुरू हो जाती है, जुकाम शुरू हो जाता है। बहुत सी लेडीज जैसे ही किचन में खाना बनाएंगी तो वहाँ की जो स्मेल होगी उससे उनको जुकाम, छींकें आना, नाक व आँखों से पानी बहना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को धूल मिट्टी में काम करने से एलर्जी जुकाम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को सडनली मौसम चेंज होते ही जुकाम, एलर्जी, नज़ला शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एलर्जी, नज़ला, जुकाम से कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक देसी दवाई के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को ये बहुत पुरानी समस्या होती है और वो ठीक नहीं हो पाते हैं, उनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता रहता है, उनको एंटी एलर्जिक की कुछ टेबलेट दी जाती हैं, लोग उनको कई सालों तक खाते रहते हैं और उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं और जड़ से अपनी बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सारी दवाइयाँ छोड़ दें। एक बार आप हमारी इस आयुर्वेदिक दवाई को लेकर ज़रूर देखें। दोस्तों, आप 101% ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये दवाई आपकी बीमारी को जड़ से और धीरे धीरे 2 से 3 महीने में पूरी तरह ख़त्म कर देगी। दोस्तों, ये दवाई बहुत ही पुराने वैद के द्वारा बनाई गई है, जो कई सालों से इन सब बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। बहुत से लोगों पर इस दवाई का प्रयोग किया है और वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। दोस्तों, ये दवाई आपको सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आधी आधी चम्मच लेनी है। आपको केवल 1 हफ्ते में बहुत सा असर देखने को मिल जाएगा। 15 दिनों में तो आपको 40-50% रिजल्ट मिल जाएगा। जिसको बहुत सालों से ये समस्या है, वो अगर 3 महीने इस दवाई को लगातार ले लेंगे तो दोस्तों फिर आपको कभी भी कोई दूसरी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, ये नहीं कि आप सोचो बस लेते ही 2 दिन में ठीक हो जाओ, क्योंकि जो दवाई एकदम असर करेगी उससे आपकी समस्या घटने की बजाय और बढ़ेगी, और जो धीरे धीरे असर करेगी वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। दोस्तों, मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप 2-3 महीने लगातार इस दवाई को लेते हो तो आप 100% पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। पूरी जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल और मैसेज करें, और दवाई ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पर क्लिक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।